राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में कौन होगा नेता प्रतिपक्ष, ये सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में घूम रहा है। बता दें कि बीजेपी ने भले ही 27 दिनों के लंबे समय के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर विभागों का बंटवारा कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष को लेकर फैसला नहीं कर पाई है। इसके पीछे अंदरूनी खींचतान भी एक वजह बताई जा रही है। खैर, आपको पूरी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड। कुछ समय पहले तक सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था। कयास ये भी थे कि कांग्रेस उन्हें ही राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष घोषित करेगी। इस बीच कांग्रेस ने उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया। इसके बाद यही माना जा रहा था कि वह नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। हालांकि हाईकमान क्या निर्णय करती है, ये देखने वाली बात होगी। सचिन पायलट का नाम रेस से बाहर होने के बाद राजस्थान में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में चार दिग्गजों का नाम सबसे आगे चल रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन्हीं नेताओं में से किसी को नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। ऐसे में वो चार दिग्गज नेता कौन है, आइए हम आपको बताते हैं जो अगले नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। कोटा के विधायक शांति धारीवाल का नाम भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ को लेकर सुर्खियों में है। धारीवाल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने विधानसभा सत्र बुलाए जाने पर बीजेपी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर जमकर तंज कसते हुए कहा कि ये कोई भजन मंडली है क्या जो भजन गाने के लिए सत्र बुलाया है। जब भी हाउस बुलाया जाता है चुनाव के बाद, जो कॉन्स्टिट्यूशन 176 में लिखा हुआ है कि आम चुनाव के बाद सबसे पहला सत्र को राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने नोटिस दे करके ये बुलवा लिया, ये क्या बात है? ये कोई भजन मंडली तो है नहीं कि साहब मेरे घर पे आज कोई भजन हो रहा है और मैंने आपको बुला लिया, तो आ जाइए आज शाम को भजन है। इससे पहले भी धारीवाल अपने ऊट पटांग बयानों के लिए सुर्खियों में बने रह चुके हैं। कांग्रेस भी तेज तर्रार रुख के कारण उन्हें नेता प्रतिपक्ष का मौका दे सकती है। वहीं बायतू विधायक हरीश चौधरी भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में आगे है। सियासत में हरीश चौधरी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की भी ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं। हरीश चौधरी 2014 से 2019 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा कई बार मंत्री भी रह चुके हैं। 2009 में बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। संगठन में काम करने का चौधरी को काफ़ी अनुभव है, लिहाजा उनके भी नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की काफ़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी काफ़ी आगे माना जा रहा है। डोटासरा वर्तमान में पीसीसी चीफ के पद पर है। सियासत में चर्चा है कि इस बार कांग्रेस पीसीसी चीफ में बदलाव कर सकती है। फिर यह भी सवाल खड़ा हो जाता है कि डोटासरा को हटाया जाता है तो कौन होगा नया प्रदेशाध्यक्ष? क्या सचिन पायलट को फिर से कांग्रेस हाईकमान राजस्थान की जिम्मेदारी सौंपेंगे? ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा की नेता प्रतिपक्ष बनने की ज़्यादा संभावनाएं जताई जा रही है। पीसीसी चीफ के रूप में डोटासरा ने बीजेपी को जमकर घेरा है। हाल ही में डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नया मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी के वरिष्ठ नेता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। बागी दौरा विधानसभा से फिर से चुनाव जीते महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में शामिल है। मालवीय कांग्रेस के अनुभवी नेता है, पूर्व में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा 12वीं लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। मालवीय को आदिवासी क्षेत्र का जनाधार वाला नेता माना जाता है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मालवीय को पार्टी की सबसे मजबूत कमेटी का सदस्य बनाया है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के भी नेता प्रतिपक्ष बनने की काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि मालवीय को नेता प्रतिपक्ष बनाकर कांग्रेस दलित और आदिवासी वर्ग को साध सकती है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी काफ़ी मजबूत चल रहा है। गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा कई बार केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है, साथ में राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर की संगठन की भी जिम्मेदारियां उठा चुके हैं। उधर पायलट के छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाए जाने के बाद अब गहलोत के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की संभावनाएं दिखने लगी है। गहलोत को राजस्थान कांग्रेस का सबसे बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है।
इस स्थिति में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गहलोत की दावेदारी भी काफ़ी मजबूत मानी जा रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है और क्या लगता है इन नेताओं में से कौन हो सकता है राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।